भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। छोटा सा भजन से इनकी मन को आह्लादित करें जिससे हम आने वाले कार्यक्रम को शुरू कर सकें। मंत्रमूलं गुरुर् वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर् कृपा दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापराशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्ष साधनम् ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो अयरियाणम् ओम नमो उभयायाणम् ओम नमो अरिहं Mm-hmm.
महावै मंगलम वीर 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 महावीर वीर वीर नाथ 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 शांति नाथ 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 वीर 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 महावीर वीर वीर नाथ 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 आदि नाथ 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 वीर 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 महावीर वीर वीर नाथ 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 शांति नाथ 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 वीर 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 महावीर वीर वीर नाथ 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 आदि नाथ 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 पार्श्वनाथ नाथ नाथ शांति नाथ 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 पार्श्वनाथ नाथ नाथ शांति नाथ नाथ नाथ। जो गुरु उस नमोकार मंत्र की तरफ पंच परमेष्ठी की ओर हमें लेके जाते हैं, अधर्म से धर्म की ओर ले जाते हैं, ऐसे गुरु चरणों में दीप प्रज्वलन के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच उपस्थित अति सम्माननीय शोभा ताई जी को। अति आमंत्रित करती हूँ अति सम्माननीय हमारे प्रदीप मामा और प्रतिभा मामी जी को। साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ अति सम्माननीय हमारे श्री निर्मल जी, कल्पना जी, गोधा जी को, और अति सम्माननीय हमारी श्रीमती मीना जी जैन जो सिलवासा से हैं। आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। साथ ही इसी कड़ी में आमंत्रित कर रही हूँ अति सम्मानीय श्रीमान अजीत जी विनायकिया दूसरी तरफ के दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री विनायकिया जी को, अति सम्माननीय श्रीमान सुरेश जी कोठारी जी को, अति सम्माननीय श्रीमान महेंद्र जी निगोतिया जी को, अति सम्माननीय श्रीमान राजेश जी गंगवाल जी को, अति सम्माननीय श्रीमान नील कमल जी अजमेरा जी को। साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ अति सम्माननीय हेमंत जी बोहरा जी को, और साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ अति सम्माननीय श्रीमान हीरा लाल जी कचरावत जी को कि कृपया वो यहाँ पर गुरु के समक्ष गुरुदेव के मुँह पर रहता है, और जिन्होंने अपनी भक्ति से अपनी श्रद्धा से गुरुदेव के दिल में असीम जगह बनाई है, मैं अपनी भूलवश उनका नाम लेना भूल गई थी, तो मैं उन्हें अति सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ गुरु चरणों में नमोस्तु कहने के लिए। ऐसे हमारे बीच उपस्थित अति सम्माननीय श्री विमल जी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि गुरु चरणों में आकर अपना नमोस्तु अर्पित करेंगे। ही हमारे बीच वक्त हो चुका है एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने का जो इसे ही ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी है, जिनके दिल में दया है, आंखों में श्रद्धा है, मैनेजमेंट के गुरु हैं, और जो गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए तन मन धन से हमेशा न्योछावर रहती हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे बीच उपस्थित ऐसी कौन सा व्यक्तित्व है जो समाज में अग्रणी स्थानों में लिया जाता है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर हम पूरे भारत में 10 लोगों का नाम लें तो शायद उनका नाम शुरू के 5 लोगों में ही लिया जाएगा। क्या आप सब बता सकते हैं कि मैं किनको आवाज़ दे रही हूं? जी, हमारे बीच उपस्थित ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी गुरुदेव की अनन्य भक्त
गुरुदेव सपना बाद में देखते हैं और पूरा करने का प्रयास उनका पहला होता है। ऐसी हमारी अति सम्माननीय, हम सब की प्यारी, हम सब की चहेती, जिनके बिना किसी कार्यक्रम की शोभा नहीं होती, यानी हम बुला रहे हैं शोभा रसिकलाल जी धारीवाल जी को। कृपया वो मंच पर आए, और जब वो मंच पर आए तो आप अपना प्यार तालियों के द्वारा, तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा उन्हें महसूस कराएं। गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में श्रद्धा सुमन धरूं, हृदय से नमन करूं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिन शरणम तीर्थ धाम के अध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी गोदा, श्रीमती कल्पना जी गोदा को। हृदय से नमन करूं, कोई धरती के कण कण को गिने, कोई सागर के जल बूंद गिने, पर तीनों लोक सुर नर मिल के तुझ गुण को कभी नहीं गिन सके। सहस्त्रों मुख हार शेष गिनत, एक मुख से क्या परिमाण करूं। गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में श्रद्धा सुमन धरूं, हृदय से नमन करूं। आप सभी की जोरदार तालियां उनके सम्मान में जरूर बजनी चाहिए, पीछे तक किसी का भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। सभी जो गुरु चरणों में बैठकर इस संध्या का आनंद ले रहे हैं, इसकी प्रायोजक हमारी शोभा ताई जी हैं, तो आपके पुण्य चले ही रामोता सू नजर उतार दू गर सुर मेरो चले ही रामोता सू नजर उतार दू मिलो चाले हिरे मोचा सू नजर उतार कर सुर मेरो चाले हिरे मोचा सू नजर उतार दू। प्यारा प्यारा गुरु वर का खूब सजा दरबार जी, प्यारा प्यारा गुरुवर का खूब सजा दरबार जी, सोना सोना चांद का टुकड़ा लागे है सरकार जी, सोना सोना चांद का टुकड़ा लागे है सरकार जी। काली टिकी लगावन खातिर ओ, काली टिकी लगावन खातिर सूरज नीचे उतार घर जोर मेरो चाले हीरे मोता सू नजर उतार, घर जोर मेरो चाले हीरे मोता सू नजर उतार दो। चाइया मारे लुण नहीं बाबा, चाइया मारे लुण नहीं बाबा, सोना चांदी बार दो घर जोर मेरो चाले हीरे मोता सू नजर उतार, घर जोर मेरो चाले हीरे मोता सू नजर।
नजर उतार दूं। और आप मित्र के एक और धनी जो हमारे बीच उपस्थित है और जिन्होंने अपनी श्रद्धा गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है, ऐसे हमारे बीच कौन उपस्थित है आप स्वयं जानते हैं, बता सकते हैं वो कौन है? हाँ, तो आप सब तो जानते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम उनके कार्यों के द्वारा जाना जाता है। तो जब भी ऐसे कार्यों का वर्णन आता है तो प्रदीप मामा का नाम सबसे पहले आता है। ऐसे प्रदीप मामा और प्रतिभा मामी को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच पर आए। आप सबकी तालियां पीछे तक, आप सबका प्रेम प्रदीप मामा के प्रति, मामी के प्रति इन तालियों के द्वारा शो होना चाहिए। क्योंकि कहते मिलता है जब प्यार भरा ऐसा कोई रिश्ता जुड़ता है, रोशन हो जाता है सारा समाज जब उससे प्रदीप मामा और प्रतिभा मामी जैसा शख्स जुड़ता है। ऐसे प्रदीप और मामा और प्रतिभा मामी के सम्मान के लिए मैं गारुड़ी मुझ पर कीड़ो मर्म बतायो मोरो उतर गयो सब से मर्म बतायो मोरो उतर गयो सब से गुरु गुंगा गुरु बावरा गुरु सब देवन का दे तालिया शाणा होवे कर ले गुरु की से पर गुरु तो ऐसो कीजिए गुरु तो ऐसो कीजिए जैसो पूनम को चंद तेज करे पर तपे नहीं और उपजावे आनंद उपजावे आनंद। सम्मान कर रहे हैं हमारे प्रदीप मामा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, हो रहा है सम्मान निर्मल जी गोधा का जिनके सानिध्य में आप यहाँ भोजन का रहने का आनंद ले रहे हैं, तो तालियों से उनका सम्मान कीजिए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत अलख अभेवा गुरु मेरा देवा अलख सम्मान की कड़ी में कुछ जो इस संध्या को सजाने के लिए आए हैं और आपको भक्ति में डुबोने के लिए आए हैं, आमंत्रित कर रही हूँ ताना रेरी ग्रुप के श्री भावेश जी दवे जी को कि कृपया वो यहाँ पर आए और हमारे ट्रस्टियों का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान भावेश जी दवे जी और साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ प्रियंका जैन जी को भी, कृपया वो भी यहाँ पर आए और आमंत्रित करती हूँ नहीं है मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ट्रस्टी गण को कि वो यहाँ पर आके इनका सम्मान करें। अच्छी वो नहीं होती तो इस संध्या का हम ये आनंद ना ले रहे होते, वो भी आए क्योंकि इन्हें खुशी मिलेगी अगर शोभाताई इनके साथ में रहेंगी। तो
हमारे बीच उपस्थित उनका नाम प्रीति काठेकर जी को आमंत्रित करती हूँ, साथ ही महेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, और उनके सम्मान के लिए मैं मीना भाभी जी सिलवासा को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आके इनका सम्मान करेंगी। मीना भाभी जी आइए। और आज की शाम का कार्यक्रम शुरू हो उससे पूर्व क्या आप सभी ताई हमसे आकर दो बात न करें, हम लोगों को चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सम्मानी शोभा ताई को कि यहाँ पर आके कुछ थोड़ा ये कार्यक्रम, बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो इससे पूर्व कि कार्यक्रम शुरू हो हम चाहेंगे कि आपको तीर्थधाम जिन शरणम के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए कि आप यहाँ पर आए हो, जिस भूमि पर बैठे हो कि वो क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बहुत ही कम शब्दों में आपको इसे अवगत कराते हैं, साथ ही यहाँ पर बैठे हुए लोगों को थोड़ा फील कराते हैं वो जहाँ पर बैठे हुए हैं वो कहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो मुंबई और सूरत के बीच उपलाट ग्राम के बीच स्वर्ग के समान ये तीर्थ धाम जिन शरणम जब सबसे पहले आया था तो गुरुदेव की आंखों में आया था, और जिसे साकार किया पूरे भारतवर्ष के गुरुदेव से जुड़े उन भक्तों ने, जो गुरुदेव की आंखों में सपना बाद में आता है उसे साकार करने के लिए पहले आ जाते हैं, और इस सपने को साकार होते हुए पूरा भारत देख रहा है। जैसे ही इस तीर्थधाम जिन शरणम में आप एंट्री करते हैं तो आपको एक अजीब सी स्वर्गीय सुकून शांति का अनुभव होगा, और आप जैसे ही जाएंगे बाईं तरफ आपको तीन आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान और उनके भरत और बाहुबली जी की बड़ी मूर्तियां नजर आएंगी विशालकाय, जिसे देखते ही आपके अंदर एकदम अपार शांति महसूस होगी। उसके पीछे बनी हुई वो त्रिमूर्ति को प्रदान करने वाले उस भक्त को कभी नहीं भूल सकते जो सूरत से हैं, ओम प्रकाश बाबू जी। साथ ही उसके पीछे बनी हुई एक गुफा, अगर आप उसके अंदर जाकर बैठेंगे तो आधा घंटा आपका कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दिल्ली से सीमा जैन नाम की एक लड़की ने उसे प्रदान कर अपना पुण्य बढ़ाया। उसके बाद ही जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे निर्जरा कुटीर, जो गुरुदेव का रहने का स्थान है, बहुत ही सुंदर। मैं अगर ये कहूँ कि पूरे भारत में ऐसी निर्जरा कुटीर आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसके अंदर गुरुदेव साक्षात भगवान के स्वरूप महसूस होते हैं, और जब उनका दर्शन करते हैं तो हमारी कषायों का शमन हो जाता है। और जैसे ही आप उसे प्रदान किया है बड़नगर के पवन जी गोधा जी ने, उसके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे संत निवास, जिसमें बैठे हुए इन संतों का दर्शन करके आपको अपनी आत्मा के दर्शन होंगे, जिसे प्रदान किया है दानवीर मोदी संस जयपुर वालों ने। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो छात्रावास दिखेगा आपको, जहाँ पर बच्चे पढ़ लिख करके, जिन बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पाते, गुरुदेव के सानिध्य में संस्कारित किया जा रहा है। उस छात्रावास को प्रदान किया है बैंकॉक के दीपक जी ने। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यात्री निवास, जिसे पूरे प्रदेशों के गुरुदेव के भक्तों ने मिलकर बनाया है, और जब से ये तीर्थधाम बना है हम सब उसमें रहकर ना जाने अपने कितने पापों की निर्जरा कर चुके हैं और पुण्य में वृद्धि कर चुके हैं ना ऐसा। और थोड़ा आगे, और वो यात्री निवास मैं कह सकती हूँ पूरे इंडिया में ऐसी धर्मशाला आपने पहले आरामदायक सुविधाजनक और
कोई टूट फूट के साथ नहीं पहले कभी नहीं देखी हुई होगी, और पिछले 3-4 सालों से वो वैसे ही बनी हुई है। और इसका श्रेय भी किसको जाता है, गुरुदेव के द्वारा प्रेरित मैनेजमेंट को, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा आहार कक्ष सूरत के अजीत जी विनायकिया, सोनम जी विनायकिया, जो हनुमान भक्त के नाम से गुरुदेव के भक्तों में मशहूर है, उनके द्वारा वो बनाया गया। जब वहाँ जाकर गुरु लोगों को आप आहार देते हैं तो आपको स्वर्ग सा आनंद महसूस होता है, और आपने जो जन्म जन्म से पाप किए हैं वो कटते और पुण्य में बदलते हैं। ऐसे जिसका धन लगने से, जिसका तन लगने से वो आकार लेने वाला था, और वो तब बनना और आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ जब पूना से हमारी शोभा रसिकलाल धारीवाल जी उससे जुड़ी, तो वो मंदिर अपनी भव्यता को आकार लेने लग गया। आपको दिखा वही नहीं, ये तीर्थ धाम जो बीच में थोड़ा गति को धीरे कर रहा था उसने वापस से अपनी गति पकड़ ली, और दिनों दिन वो प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। वो मंदिर जो अपनी भव्यता को ले रहा है, आज उसको श्रेय जाता है तो हमारी शोभा धारीवाल जी को जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजनी, आज उनकी वजह से ही ये तीर्थ धाम इतनी जल्दी पूर्णता की ओर जा रहा है। फिर स्तंभ सफेद रंग का लगता है विशाल, जब वो 24 मान स्तंभ बनेगा और पूरे इंडिया के भक्तों के द्वारा जब वो मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी, तो आप में से अगर कोई ने भी अभी तक मूर्ति ना दी हो ना, अपने भाग्य को रोएगा, क्योंकि उसे लगेगा ये मौका उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो अद्भुत दृश्य 1-2 सालों के बाद ही आपके सामने होगा जब वो 24 मान स्तंभ बन के तैयार होंगे, और उसमें भगवान 1008 भगवान विराजमान होंगे। वो अद्भुत नजारा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उसके भागी बने तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलिएगा जरूर, और अभी तक अगर मूर्ति न दी हो तो जरूर दीजिएगा। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा नवग्रह मंदिर। वो नवग्रह मंदिर जो अभी निर्माणाधीन है, उसमें बैठ कर मैं सोचती हूँ कि शायद जो भी अपने ग्रहों को शांत करने आएगा उसके ग्रह जरूर शांत होंगे। वो हमारे प्रदीप मामा और प्रतिभा मामी के बहुत बहुत अनुमोदना है। उसके साथ ही और आगे चलेंगे तो आपको नजर आएगा ध्यान मंदिर। वो ध्यान मंदिर हमारे जयपुर के श्रीमान कुशल जी मधुडी ठोलिया के द्वारा प्रदान किया गया हो, और जिसमें बैठकर जो भी ध्यान करेगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो गुरुदेव से कुछ ही सालों में दीक्षा लिए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अपना स्वरूप नजर आने लग जाएगा। और उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको VIP धर्मशाला नजर आएगी। यह विशालकाय धर्मशाला जो शोभाताई धारीवाल और हमारी जानवी धारीवाल की वजह से इस प्रगति को प्राप्त हुई है, और जिसे बनाने में ऊपर में जो हॉल उसको विनोद जी विलासपुर वालों ने भी जिसमें अपनी धन राशि लगाई है, साथ ही विनोद जी फांदोत ने जो भोजनशाला बनी है प्रदान की है, और ये हॉल जिसमें आप बैठे हुए हैं और जिसमें आप इस संध्या का आनंद ले रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप भजन गाने वालों को भी कि यहाँ आपके सुरों से ही स्वर नहीं निकलेंगे, यहाँ की ईट ईट में भक्ति बसी है, यहाँ की ईट ईट में श्रद्धा बसी है, और यहाँ पर जो भी बैठा है ना उसके पाप हमेशा के लिए नष्ट होंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो अपने आप को इस पवित्र स्थान, आपने जिन शरणम तीर्थ के थोड़े बहुत दर्शन कर लिए होंगे और जो बचे होंगे कल जरूर करके जाइएगा। तो कुछ वक्त न लेते हुए चलते हैं, भक्ति में डूबते हैं। आमंत्रित करती हूँ हम ताना रेरी ग्रुप को। अपना खुद का एक प्रसंग समझ कर आना। सीमा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के बाद शायद आपका नंबर लग सकता है जी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। और एक बहुत हमारे बीच एक अहम शख्स जिसे हम नाम देने जा रहे हैं, जिनका नाम लेने जा रहे हैं, श्रीमान पुनीत जी बालन, उन्हें कभी नहीं भूल सकते, जिनके द्वारा ये आचार्य पुष्प दंत जो निलय है वो तैयार हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां उन हमारे पुनीत जी बालन के लिए। तो ये कि वो जब बोल रही थी शोभा दाई, तो मैंने भावेश भाई को बोला मेरी जरूरत ही नहीं थी आज। आज की भक्ति संध्या की शुरुआत करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिलों की गुलिस्ता में आज धड़कनों की एक जिंदगानी लिख दो। वाह तो करिए सब, ये बात दिलों के गुलिस्ता में आज एक धड़कनों की जिंदगानी लिख दो। आज की शाम मेरे दादा गुरु के नाम लिख दो, कि हम वादा करते हैं आज की शाम को खूबसूरत बनाने का, बस आप अपनी थोड़ी सी तालियों की एक रवानी लिख दो।
तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा महेंद्र जी से। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, ओ सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। तालियों के साथ एक काम करते, पहले तालियों से शुरू करते। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। कम ऑन। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। ये बात मुझे प्यारे हो, मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जान से गुरु मुझे प्यारे हो, दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे सदा, सपनों में आते रहे वो रात चाहिए। एक लाइन मेरे साथ कौन गाएगा? शोभा ताई जी आप गाओ थोड़ा सा। जन्म में बाबा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, पे मेरे गुरु चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए चाहिए। थोड़ा सा तबला इसमें, तबला ये बात। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम न हो, फिर भी छोटी सी एक तमन्ना हो, मुझ पे तेरी कृपा यूं कम न हो, फिर भी छोटी सी एक तमन्ना हो, मरते वक्त होठों पे हो नाम बस तेरा, जीते जी एक तुमसे मुलाकात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हाँ मिले ना मिले, ओ मिले ना मिले, मुझको तेरा, मुझको तेरा, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहाँ कब मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ कब मिले ना मिले, ओ मिले ना मिले, मुझको तेरा, मुझको तेरा, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ये बात, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये बात,
यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं बस भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं बस भरम ही भरम, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, हो जले ना जले, हो जले ना जले, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, लगाया है अंधे को दिखाया तूने, लंगड़ों को चलाया है, उजड़ी हुई दुनिया तूने फिर से बसाई है, और सच्चा भक्त क्या कहता है, चाहे धन और दौलत न पास रहे, चाहे धन और दौलत न पास रहे, चाहे धन और दौलत न पास रहे, कुंडलपुर वाले बाबा मेरे साथ रहे, कुंडलपुर वाले बाबा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा, ओ मेरे सर पे सदा, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, गुरुदेव सदा तू मेरे साथ रहे, गुरुदेव सदा तू मेरे साथ रहे, ओ गुरुजी प्यारे, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर प्यारे, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर प्यारे, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर प्यारे, ओ गुरुवर, ओ अरे वे ओ गुरुवर प्यारे, ओ गुरुवर प्यारे, आदिनाथ प्यारे महल प्यारे, आदिनाथ प्यारे, शांतिनाथ प्यारे, ओ गुरुवर प्यारे, ओ गुरुवर। क्या बात है, थैंक यू सुदेव, जिनकी 68वें जन्मोत्सव के पूर्व संध्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उनको भी मैं वंदन करता हूँ, और भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेव आपको भी नमोस्तु। और शुभाताई, मैं आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहूँगा कि आपके दिल में भगवान बसते हैं और रोम रोम में गुरुदेव बसते हैं, और उनकी कृपा होती है तो ही इतना बड़ा आयोजन हो सकता है, और बहुत इतना सुंदर आयोजन आपने किया है, क्योंकि 2021 को हम बाय बाय करेंगे और 2022 को वेलकम करेंगे, और इस अवसर पर आज की जनरेशन जहाँ पे डीजे में खड़ी रहती है, आपने हम कलाकारों को भी इतना उत्तम मौका दिया कि प्रभु भक्ति करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। हम कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, 2021 हमें बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ सिखाया है 2021 ने, मगर आज हम ये कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, आज भक्ति से अंत हो रहा है तो आने वाला साल भी भक्तिमय रहेगा। साधना के सफर पे जो चलते हैं उसे संत कहते हैं, साधना की सफर पे जो चलते हैं उसे संत कहते हैं, मुक्ति की जो सूर छेड़ते हैं उसे महंत कहते हैं, दुनिया को जीतने वाले तो अंत में हार जाते हैं, जो खुद को जीतते हैं उसे अरिहंत कहते हैं। शोभाताई ने हमें एक मौका दिया है कि गुरुदेव के चरणों में ये 2021 हम अर्पण करके आने वाले साल में भी हम अपने हृदय में, हमारे रोम रोम में भगवान को तो बसाएंगे, मगर गुरुदेव की आज्ञाओं को भी बसाएंगे। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत ही सुंदर एक शब्द लिखे है कि मैं हंसता रहा गरीब होते हुए, मैं हंसता रहा
गरीब होते हुए और वो मुस्कुरा भी नहीं पाया अमीर होते हुए। आज ऐसी भक्ति करनी है, गुरुदेव की तो करनी है मगर भगवान की भी ऐसी भक्ति करनी है कि 2021 की अंत में भगवान भी हमारे साथ होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं, ये बात। तो आइए फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये कलाकार ऐसी कलाकारा है जो बॉम्बे में सभी उनकी आवाज़ सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, प्लीज़ वेलकम प्रीति काटेकर, जरा जोरदार तालियां कलाकार के लिए भी। दिया पूरा वो द्वारे दीवड़ा प्रगटा वो रास साथिया पूरा वो द्वारे दीवड़ा प्रगटा वो रास साथिया पूरा वो द्वारे दीवड़ा प्रगटा वो रास। आज मारे आंगने बनारस महावीर प्रभु जी साथिया पूरा वो जय बोलो जय
ब्रेकफास्ट हो तो 12 बजे कब और हम सेलिब्रेशन करें इसकी हम वेट करते हैं, मगर आज कब 12 बज जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि शोभा ताई ने अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी की है आज की भक्ति में कि सिर्फ ये भक्ति गीतों के साथ नहीं, मगर इस भक्ति गीत के साथ साथ नृत्य का भी एक आयोजन किया है हम लोग ने। तो आइए बहुत ही खूबसूरत सा ये नृत्य लेकर जो भी कलाकार आपके सामने आ रहे हैं उसके लिए ज़रा एक बार ज़ोरदार दिल से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं वो मिलती है मगर वो प्रभु को नहीं मिलाती, वो सिर्फ मनोरंजन होता है, मगर भक्ति ऐसी है जो उस गीत के माध्यम से हम परमात्मा के इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच ऐसा एक गीत जो आपके दिल में बसा है, आपके होठों में बसा है, मैं बताऊँ कि आप सुनना चाहेंगे, बता दूँ सुनना चाहे, चलिए पहली फरमाइश में शोभा ताई जी की पूरी कर देता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे सभी कलाकार के लिए। बड़े नादान है वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं, इस दौर में अगर दुआ कबूल न हो तो लोग भगवान को भी बदल देते हैं। ऐसी ऐसी हमारी ज़िंदगी हो गई है कि भगवान को देखने कैसे चाहिए, एक निर्दोष बालक जब भगवान को ढूंढने निकले, भगवान की भक्ति करने निकले ना, ऐसे भगवान को ढूंढना चाहिए। एक छोटा सा बालक था,
सुबह सुबह अपनी माँ को कहता है कि माँ एक काम करो, मुझे टिफिन दे दो, मैं जाता हूँ। तो माँ ने बोला रोज नहीं और आज ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो माँ ने पूछा बेटा कहाँ जाना है, तो बच्चे ने क्या कहा बताए, भगवान को मिलने जाना है। अरे माँ ने कहा ये तो छोटा सा बालक है, गार्डन में जाएगा, खेलेगा, वापस आ जाएगा। तो माँ ने टिफिन भर के दे दिया बच्चे को और बच्चा गया गार्डन में ही, मगर वहाँ पे खेलने के बाद वो बेंच पे बैठा था और उसने अपना टिफिन खोला और उसी समय एक भिक्षुक वहाँ से निकला। भिक्षुक को एक आश लगी कि अगर इस बच्चे के टिफिन में से अगर मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाए तो भगवान की आज मेहरबानी हो जाएगी मुझ पर। तो एक स्वार्थ के साथ भिक्षुक ने बालक की ओर ऐसे हाथ फैलाया और छोटा सा स्मित दे दिया, मगर पता नहीं उस बच्चे को वो स्मित में क्या दिख गया, उसके टिफिन में जो भी था ना उसने सब कुछ भिक्षुक को दे दिया और रोज नहीं जितना खुश होता है आज उससे ज़्यादा खुश होकर वो घर पर गया। माँ ने सोचा आज इतना खुश क्यों है, तो माँ ने पूछा उससे क्या हुआ बेटा आज क्यों इतना खुश है। तो बच्चे ने क्या कहा पता है, माँ मुझे आज भगवान मिल गए, माँ मुझे आज भगवान मिल गए, मगर वो जो छवि में दिखते हैं ना ऐसे नहीं थे, थोड़ी सी दाढ़ी थी मगर हाँ हंसते वैसे ही थे जैसे भगवान हंसते थे। और उस तरफ एक भिक्षुक को तो क्या ऐसा सोचा था कि थोड़ा सा पेट भर जाए, आज पेट भर कर खाना मिला, वो भी खुश होकर जा रहा था। सामने और एक भिक्षुक मिला, उसने बोला भाई क्यों आज इतना खुश है, तो भिक्षुक ने क्या जवाब दिया पता है, आज मुझे बाल स्वरूप में भगवान मिल गए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि रोज हम भगवान को ढूंढने तो जाते हैं मगर उस बालक की तरह ढूंढने को जाना चाहिए, कौन से स्वरूप में भगवान हमारे सामने आ जाए ये हमें पता नहीं होता है। बस दिल में भगवान होने चाहिए, ढूंढने की एक तमन्ना होनी चाहिए। एक ही बात कहना चाहूँगा कि बालक के दिल में है ना कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से जिस दिन आप भगवान को ढूंढने जाओगे कोई ना कोई रूप में वो आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। जी थैंक यू सो मच, और आइए फिर से एक बार। Mabani pa mapaka mare sani dhani re Sari gari gama gama pa mapada padani sani da pada mapaka mapama gari sani dhani re Khush roh bazi prem ki Main to khelu पीके संग जीत गई तो पिया मोरे और हारी तो पीके संग। सच्चे भक्त की दशा क्या होती है भावेश भाई, गुरुवर की छवि को देखने के लिए, गुरुवर का प्यार पाने के लिए क्या कहता है, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मास, पर मेरे दो नैना मत खाइयो मोहे गुरु दरस किया। चोक पुरावो माटी रंगावो, चोक पुरावो माटी रंगावो, आज गुरुवर अंगना पधार, बताओ जो खबर सुनाओ जो खुशी ये बताओ जो, आज गुरुवर अंगना पधारे, आज गुरुदेव अंगना पधारे।
तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी अंबर सजाओरी उतरी है आज मेरे गुरु की सवारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज गुरुवर अंगना पधारे आज रंगों से रंग मिले नए नए हुपी हु पपी हाँ बोले हु कोयल रटे आंगन आंगन है परियों ने घेरा अनहद नाद बजा मोरी सब मिल अनहद नाद बजाओ री सब मिल आज गुरुदेव अंगना पधारे आज गुरुवर अंगना पधारे चौक पुरावो माटी रंगावो आज गुरुदेव अंगना पधारे बारी सखीरी गुरु अंगना आए बारी सखीरी गुरु दे पधारे बारी सखीरी गुरु दे पधारे नहीं साजा रे साजा नहीं साजा रे साजा आलो का आज गुरुवर अंगना पधारे झूठ बोलू मगर ऑडियंस के सामने आकर खड़े रहने के लिए एक जिगर भी चाहिए क्या बात है सुपर आप मैं एकदम इजी क्वेश्चन पूछूंगा आपको प्राइज आफ हाँ अरे बाप रे देना है तो दो वरना जाने दो क्या बात अच्छा सो चलो बताओ नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो उज्जैनम नमो लेशजानम ऐसे पंच नमकारो सब पापनाशम मंगलानं तो सब ऐसे परमामय मंगलम नमो क्या बात है इसके साथ कौन आया है पापा टेंग ये संस्कार बहुत ही बड़े हैं कि सबके सामने आकर बोलना और ऐसी अच्छी बातें बोलना और प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर है क्या बात है आपको प्राइज हमारी ओर से भी मिलेगा थैंक यू सो मच बाद में हम आपको जरूर देंगे थैंक यू अच्छी लगी रे तेरी प्रीतड़ी प्रभु जी अच्छी लगी रे
प्रभुजी आछी लागी रे थारी प्रीतिड़ी हो मारा मन रामे हो मारा मन रामे जागी जगमग ज्योत प्रभुजी आछी लागी रे थारी प्रीतिड़ी प्रभुजी आछी लागी रे थारी प्रीतिड़ी हो मारा मन रामे हो मारा मन रामे जागे जगमग ज्योत प्रभु जी आछी लागे रे थारी प्रीतिड़ी प्रभु जी आछी लागे रे थारी प्रीतिड़ी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैंने पहले भी कहा कि जो हम प्रभु जी करवा रहे हैं और आप मैदान खाली आत्म की बात अपने मन में बसा लो मने चेतना की बात घनी बात प्यारी प्यारी लागे ये बात रस से भरोड़े जिनवाणी लागे जिनवाणी लागे मने आत्मा की बात घनी वाह वाह प्यारी लागे जय हो शोभा ताई जी के लिए एक मैं गाना गाता हूँ आप मेरे साथ आपकी जो भावना है मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए हो क्या बात क्या बात जब आरती
आरती हो तेरी, मुझे घंटी सुनाई दे। आप बैठे रहो, आप भी आ जाइए, आपको भी आना है। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, मुझे रोज सवेरे बाबा तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे कोई रस कानों में घुल जाए, जब भजन करे मिलकर रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए। ओ मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा ले ओ बाबा, लिखा है ऐसा ले, लिखा है ऐसा ले ओ बाबा, लिखा है ऐसा ले। और आपकी फरमाइश है, आहा पर। अरे नाचिए। लिखता है निकले वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना बाबा होता समय पर। मिटती नहीं है रे ओ बाबा, मिटती नहीं है रे। लिखा है ऐसा लेख ओ दाबा, लिखा है ऐसा ले। बाबा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। और जहां पे हम लोग अटक जाए वहां पे आपको गाना। रे भक्ति मा के मन डोला क्यों, रे भक्ति मा के दिल मारू मंदिर चालो रे। ये मन डोला क्यों, रे भक्ति मा के मन डोला क्यों, रे भक्ति मा के सब मिल मंदिर चालो रे। नाचिए नाचिए, जीवन बीत गयो नाचिए। के कर जो धर्म कमाई साची, कर जो धर्म कमाई साची, अंते साथे चाले रे। के कर जो धर्म कमाई
साची कर जो धर्म कमाई साची अंते साथे चाले रे ये मनड़ो लाग्यो रे भक्ति मां के दिलड़ो लाग्यो रे भक्ति मां के सब मिल मंदिर चालो रे ये रे गुलाल गुरु जी आज पधारे हैं हे जीनो 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 ला 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 जीनो 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 हे ला 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 हे जीनो जीनो उड़े रे गुलाल गुरुजी मेरे आए हैं हे जीनो जीनो उड़े रे गुलाल गुरुजी आज आए हैं जय हो मेरे गुरुवर लागे हैं प्यारे मेरे गुरुवर मेरे गुरुवर लागे हैं प्यारे मोयो मनड़ो आ गुरु जी थाने गण कम्मा मनड़ो मोयो गुरु जी कर हे जीनो 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 हे जीनो 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 हे जीनो जीनो उड़े रे गुलाल गुरु जी आज पधारे हैं हे लाल लाल उड़े रे गुलाल गुरु जी आज पधारे हैं हे बा टहुका कर तो जाय मोर तो टहुका कर तो जाय अपने द्वार के मोर लो के मोर लो टहुका कर तो जाय टहुका कर तो जाय मोर लो टहुका कर तो जाय ए टहुका कर तो जाय मोर लो टहुका कर तो जाय हुका कर तो जाए मोर लोटा हुका कर तो जाए
पुरवाले बाबा। सबकी तालियां, कम ऑन एवरीवन। कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, जय आदिनाथ भगवान। ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, जय आदिनाथ भगवान। ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। ओ बड़े गुरु को सपनों आयो, एक बड़ो मंदिर बनवायो। बड़े गुरु को सपनों आयो, एक बड़ो मंदिर बनवायो। बड़े गुरु को सपनों आयो, एक बड़ो मंदिर बनवायो। वही में बाबा बिठाइयो, वही में बाबा बिठाइयो, वही में बाबा बिठाइयो, जय आदिनाथ भगवान। ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। हरे ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। बाबा के बन जइयो पुजारी, समस्या मिट जाई है तुम्हारी। बाबा के बन जइयो पुजारी, समस्या मिट जाई है तुम्हारी। बाबा के बन जइयो पुजारी, समस्या मिट जाई है तुम्हारी। बाबा की जय जय गइयो, बाबा की जय जय गइयो, बाबा की जय जय गइयो, जय आदिनाथ भगवान। अरे ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। हे कुंडल बड़े बाबा, हे कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, जय आदिनाथ भगवान। अरे ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। अरे ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। अरे ऊंची पहाड़ियां पे राजे, जय आदिनाथ भगवान। ती करनी थी, मैं बोली इनको बोलू, बुंदेलखंडी बोले, मैं बोली क्या खासियत होती है, बोले नहीं उसके सुर अलग होते हैं, शब्द अलग होते हैं, म्यूजिक अलग होता है। उनको पता भी नहीं चला कि शायद नेट पे से फिर मैंने ये गाना चुना। और साहब जी की भक्ति तो है ही कुंडलपुर से, तो आपके लिए साहब जी क्या बात है। और आप सबने प्लीज ध्यान देना है, एक सूचना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन यहाँ मैंने इतनी मेहनत से ये अरेंज किया कार्यक्रम, तो आप बाहर प्लीज, दूध तो बाद में मिलने वाला है। मैंने बोला नहीं था कि कार्यक्रम होने के बाद ही दूध मिलेगा। साहब जी यहाँ बैठे हैं, उनके लिए तो ये आधी रात का समय है एक्चुअली, वो वहाँ यहाँ बैठे और आप बाहर दूध पीने जा रहे हैं, वेरी बैड। मैंने व्यवस्था की है 12 बजे के बाद में जाते जाते। उनका मन पसंदा गीत हमको पेश करने के लिए कहा जी। सर एक मेरे थे, उन्होंने बहुत, हाँ ये सर जी का नाम क्या है, सर जी आपका नाम है, रुकिए 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 रुकिए। के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े काम आते हैं। क्या होनी चाहिए सबकी एक तालियां, एवरीवन एवरीवन सबकी तालियां। है पतवार नहीं चलती मेरी नैया, चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से जब बाबा साथ में है, मैं डरता नहीं जग से गुरुवर साथ में है। मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, याद करे इनको ये दीपा हो जाए, जो भक्ति करे इनकी ये इनके हो जाए, जो भक्ति करे इनके ये इनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। सुना है हमने तुम भक्तों की चाहत पूरी करते हो, सुना है हमने तुम भक्तों की चाहत पूरी करते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रहना हाथ, चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रहना हाथ। हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म का साथ। गुरुवर प्यारा है हो तो सहारा है, गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थोड़े आनो है थोड़े वादो तो निभानो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात बाबा, आज थाने आनो है भक्ति की है रात। दरबार ओ बाबा ऐसो सजो न्यारो, दयालु आप रो है, सेवा में थारी सगड़ा खड़ा कर, हुकुम बस आपनो है, सेवा में थारी, सेवा में थारी।
सेवा में थारी के माने आज बिछ जानो है सेवा में थाणी सेवा में थाणी के माने आज बिछ जानो है थाने कोल निभानो है भक्ति की है रात भक्ति की है रात बाबा आज थाने आनो है भक्ति की है रात थारी भक्ति करो जम कर घणी मत देर करो भक्ति करे थारी भक्ति करो मिलकर घणी मत देर करो है गीतों सो थाने है माने आज तोरे जानो है गीतों से थाने माने कोल निभानो है भक्ति की है रात भक्ति की है रात गुरुवर आज तो पधारे है भक्ति की है रात भक्ति की है रात गुरुवर आज तो पधारे है भक्ति की है रात शोभनाताई जी क्या कहती है हमने अपना धर्म निभाया हमने अपना धर्म निभाया कुंडलपुर को आने का तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का हमने अपना नियम निभाया कुंडलपुर को आने का बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का जय हो जिसका करदाता कैसे तुझे मनाने का बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का अरे हमने अपना नियम निभाया कुंडलपुर को आने का हमने अपना नियम निभाया कुंडलपुर को आने का बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का बाबा दुनिया वाले क्या जाने अरे दुनिया वाले क्या जाने बाबा वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है ला 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 पाया है आरो की झिलमिल में
मेरे गुरु का बसेरा है, बाबा तुझसे मिलने का। चांदी में पाया है, ओ सोने में देखा तुझे, चांदी में पाया है। हीरो की जगमग में, ओ हीरो की जगमग में मेरे बाबा का बसेरा है। नीरे गगा पगर नीरे 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 मामा पगर नीरे सारी दवा मगर ससा नीरे दा पगर नीरे 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 मामा पगर नीरे सा। ओ वीर मेरे पति रखियो बला महावीर जी, ए वीर मेरे पति रखियो बला महावीर जी, त्रिशला के लाल राजकुमार खड़े हो जाए दो मिनट के लिए। त्रिशला के लाल जिनवर जपूं मैं जिनवर जिनवर जपूं मैं जिनवर जिन हो वीर मेरे हो वीर मेरे आ जी जन जन के है प्यारे महावीर जी, जन जन के प्यारे त्रिशला जी की आंखों के तारे। सीख मैं जिनवर जिनवर जपो मैं जिनवर जिनवर जपो मैं जिनवर जिनवर हो वीर मेरे हो वीर मेरे आ। सब आए तो भी भगवान साथ में हो, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब। सच बताऊँ आपको,
2021 तक हमारी दुकान खुली ही नहीं थी। ये लॉकडाउन में सबसे लास्ट में दुकान हमारी खुली है, मगर ऊपर वाले की इतनी कृपा है दादा, क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात कर दी। शुभा दाई, ये तो आपका बड़ा दिल है कि आज के इस तारीख में भी आपने इतना बड़ा आयोजन किया, तो हम सबको भक्ति करने मिली और हम कलाकार इसके निमित्त बन पाए, तो भावेश दवे के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि हम सब कलाकार जो है ना, एक सोने की चेन है। आप लोग अगर कोई ऑर्नामेंट्स लेने जाओगे हाँ तो तुम्हें मैं खत लिखता, पर पता मुझे मालूम दोनों हाथ ऊपर चाहिए, ताली बजेगी, एक बार मैं गाऊंगी फिर आप तालियों के साथ गाएगा। महावीर सबकी कोई हाथ ऊपर नहीं हो पा रहे, महावीर वीर वीर महावीर वीर वीर महावीर 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 वीर वीर आपकी बात। देखो मैं भी बिना माइक के गाती हूँ, आप भी बिना माइक के गाए, तालियां और अपनी आवाज।
छोटे छोटे बच्चों से, बच्चों ने कहा, बच्चों ने कहा, बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने कहा हर दिल में है पर पता मुझे मालूम नहीं, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, महावीर वीर वीर महावीर वीर महावीर 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 वीर महावीर वीर वीर महावीर कार्यक्रम अपने गुरुजी के लिए किया है। एक्चुअली वो हर साल ये 31 दिसंबर हम समझेंगे कि ये नए साल के स्वागत के लिए है, ऐसी बात नहीं है। ये मेन भावना है साहेब जी के, गुरुजी का जन्मदिन 1 जनवरी को है और उसकी पूर्व संध्या का योग ऐसे उन्होंने जमाया है। दूसरी भी बात कि हम लोग जो क्लब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, उससे ज़्यादा हम भगवान के समीप में जाए, गुरु के पास में जाए और उनसे ये भाव हमने हमारे ज़िंदगी में लाए, इसके लिए ये इसका आयोजन हमेशा होता है। तो साहेब जी हम और हम सब जो लोग साहेब जी के प्रति भक्ति रखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा भक्ति साहेब जी की अपनी गुरु जी के लिए है। और हम हमेशा उनकी स्टोरीज सुनते हैं कि उनके आहार में भी वो उनके गुरुजी उनके इनका जब आहार चलता था तब कैसे आहार देने आते थे, कैसे भोर से देते थे, कैसे बच्चे जैसा सब उनका केयर करते थे। ये तो छोटे ही थे साहेब जी अपने, इनकी जब दीक्षा हुई थी, मेरे से तो ज़्यादा आपको ये हिस्ट्री सब मालूम है, लेकिन साहेब जी आज मौन में है और आज बोल नहीं सकेंगे करके मैं थोड़ा बोल रही हूँ। और साहेब जी हमको आपकी जैसी भक्ति हम में भी आए, हम ऐसे सब इच्छा करेंगे आज के दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब जी आपकी वजह से। और मैं तो मानूंगी नहीं कि आपकी भक्ति ज़्यादा होगी, हमको तो लगता है हमारी भक्ति ज़्यादा है, बराबर। आपको खाली खुश करने के लिए हमने बोला है, आपकी भक्ति ज़्यादा है, लेकिन हम नहीं मानते हैं हमारी भक्ति ज़्यादा है। तो साहेब जी हम सब लोग आपको खुश करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। और आप जो अभी जो दिख रहे हैं ना साहेब जी, सभी को तो वैसे ही दिख रहे होंगे जो मैं देखती हूँ, मुझे भगवान की जैसी मूर्ति बैठी है ना, वैसे ही लग रहे हैं साहेब जी कब से, एकदम नज़र नहीं लगे लेकिन वैसे ही है साहेब जी आप एकदम। तो मिच्छामी दुक्कड़म साहेब जी, जो कुछ एक साल में कुछ गलती हुआ हो हम सबसे, कुछ अमर्यादा हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो हम माफ़ी चाहेंगे और हम नए साल के लिए हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मेरा जो ये छोटा प्रयास रहता है हमेशा ये करने का, तो उसके लिए आप भी सहभागी होते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिन शरणम तीर्थ के लिए भी ऐसे ही जुड़े रहना है साहेब जी के साथ में, ये ऐसे ही नहीं सोचना कि साहेब जी यहाँ विहार करके जाएंगे तो अपना संबंध छूटा, ऐसी बात नहीं है। जिन चरणम के लिए हमारा अटूट नाता रहना चाहिए, समझे, चलो ठीक है, थैंक यू साहब जी। साक्षात पंच परमेष्ठी में विराजमान हमारे यह सोच समोसरण लगा हुआ है, उसमें रहे भारत गुरु राष्ट्र आचार्य पुल्लर सागर जी महाराज के गुरु आचार्य भूषण सागर जी महाराज का 68वां जन्मोत्सव के रूप में हम 31 दिसंबर को यह मना रहे हैं। पूरा समोसरण लगा हुआ है, बहुत ही भक्ति भाव कहते हैं कि सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू,
के दुलारे जन्मे हो धम तरी धाम आज थारी आरती उतारू तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू घर में हो आरती मंगल ज्योति जला महाप्रभु वासा करे मित्र मिट जा सब कुछ दीपने पुलक सागर जी महाराज की आचार्य पुलक सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जय। ये दीपक आप अपने घर ले जाकर आप अपने मंदिर में पवित्र स्थान में इसको रख सकते हैं। ये दीपक आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में श्रद्धा सरूं गुरुदेव तुम्हारे मन धरूं हृदय से नमन करूं विनय लगा दिए गुरु ने गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में श्रद्धा सुमन धरूं हृदय से नमन करूं जिन्होंने से गुरुदेव के पाद पक्षल पर ब्रह्म सदा अवतार इस दृश्य का आनंद ले शोर नहीं करे प्लीज इस दृश्य का आनंद ले तुम अंतर में सद ब्रह्म सदा अवतार सभी तन बसत सदा मुझ मात पिता तुम सब ही सदा आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने पाद प्रक्षालन तो सदा मोहि तुमसे कौन अधिक जग में किस बोध महिमा गान करूं गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में श्रद्धा
सुमन करो गुरु तर पार ना पायो। और आप रक्त कर जिन्होंने संपूर्ण तीर्थ को अपने हाथों में ले रखा है, ऐसे गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर रही है चंदन से। नीचे से आशीर्वाद लेंगे, नीचे आ जाए। तेरा तुझको तेरे बिन मेरा मन जैसे वन में हिरण जैसे पगली पवन लगी तुमसे मन की लगन गुरुजी लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन गुरुजी लगी तुमसे मन की लगन घर गल घूमे दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे न हवे पर बड़े नहीं रहे वानो तारा थी दूर तारे रहे वानो हृदय पर बड़े नहीं रहे वान तारा प्रवाहि प्रक्षालितं सुरवरे यदनेक वारं अत्युदमुन्नतमहं जिनपादपीठं प्रक्षालयामि भवसं भवतापहारी ओम राम ह्रीं रों नमः भगवते श्रीमत् पवित्र जलेन पीठ प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। नमीप सुरमक्षत तोय पुष्पे संभावयामि पुरेव तदीयमि ओम ह्रीं श्री किली मे अर्हम श्री वन्ने प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। श्री शल्व वर्चित मुखान कल धोत रूप्य सम्रार कूट घटितान पैसा सुपूर्णा शंबाहतामिव गता संसापयामि कलसाजिन दिकांते ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुकलस्थापनं करोमि देख के उठना मामी कोटि संलग्न रत्न किरणा च विदूषरांदि प्रश्वेद तापे मल मुक्ते मपि प्रकष्टे वक्त्या जले जिन पते बहुधा विसिंचे ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालसंतं विश्वादि महावीर साई पर्यंतं चतुर्विंशति शंकर परम देव माध्यानवादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नाम नगरे जिन शरणम तीर्थे मासान उत्तम मासे तोष मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशे शुभ दिन सोम कौन सा दिन है आज शनिवार शनिवार वासरे मुनि आर्य का सावक साई कणम शगल करम छे आरतम
जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा संसारे तीर्थंकर जल विसिंचि जिना जलादि अर्घं नृपामिति चलिए दूसरा क्लेम है मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 राम राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु गो आदि वीरान चतुर्विंश तीर्थंकर सुगंधित कलश विसिंचित जिना जलादि अर्घं नृपामिति। चलिए भैया तीसरा मनोरथ शति चार कलश लो दो दो कलश हाँ दो दो भर लो सोने के दो दो कलश भरिए। हीरा लाल जी दो कलश लो हाथ में जल भर के दो। इष्टे मनोरथ शतेर विभव्य पुंसा पूर्णेश वर्ण कलशा निकलेर्वसाने संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मप्लावये त्रिभुवनेक पतिं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं पं पं झं झं झीं झीं ह्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि संसार महादुख सागर में प्रभु गोते आया पिके चरु सुदीप सुदूर फलार्ग के रवन मंगल गान रवा तुली जिनगरे अभिषेक महम ओम विश्वानी वीरान चतुर्विंशर तीर्थंकर चतुष्कलश विसिंचित जिना जलादि अर्घं नृपामिति। देखिए सारे ओम ह्रीं विश्वादी वीरांता जले स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी वीरांता जले स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी वीरांता जले स्नपयामिति ओम ह्रीं विश्वादी वीरांता जले स्नपयामिति स्वाहा 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 ओम स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी वीरांता जले 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 स्नपयामिति स्वाहा या परिया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेश चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं ऋष्वादी वीरान् चरणारविंद चंदनानुलेपनं करोमि स्वाहा। पुष्प लीजिए बासंती का जाति शिरीष वृंदे ऊपर सिर पर भदो के मंदिर अभि चंपकारे पुष्पेरने के रलवीताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादि युगम न्यजे हम ओम ह्रीं सुमनः सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिं करोमि स्वाहा। आरती दधानो हर पुष्प दीपे पार्थ्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोके मंगल सुकालय कामोदाह मारार्तिकं तवो विभोर वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि। बोलो वा देव्या
ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते स्वादस गण परिवेष्टताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्रणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रवक साविका प्रमुख चत्रोप संगोप सर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्यु सब बोले एक साथ अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वजमारीम सर्वअश्वमारीम सर्वगौमारीम सर्वमहिष्मारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेतालशाकिनीभयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज विक्रम तेजो बल सौवीर शांति सर्वजनानंदनम् सर्वभ्यानंदनम् सर्वगोकुलानंदनम् सर्वग्राम नगर खेट करवणमठम पत्रन दौड़मक संभानंदनम् सर्वदेशानंदनम् सर्वलोकानंदनम् सर्वयजमानानंदनम् श्रीमानीनाजी संगी विपुल नेहानेषु विधान विज्ञ परिवार यजमानस्य एवं श्रीमान अनिल कुमार नीरा ऋषि मोनिका वीर जैन सरी गांव परिवारस्य सर्व शांतिम् सर्व कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेष लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत्रम धन धान्यम सदास्तु चंद प्रभुवान स्पूज मल्ली वर्धनान पुष्टन शीतल मुनीश वृत नेमीनाथ पाशनादित्येभ्यो नमो नमः इतनेन मंत्रेण नवग्रहाणं शान्त्यार्थकं गंधोदिकं धारावर्षणम् ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप नाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्व रोग सर्व नाशनाय सर्व परकच्छद्रो पद्रो विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रोम रोम रा अस्याउषा अरहम नमः सर्व जिन शरणम परिवारस्य शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संभोजिकानां प्रज्वालिकानां यतीन्द्र सामनत बोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रागे करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रम संसार महादुख सागर में प्रभु होते खाते आया संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करके के चरणों में अर्घ चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप फलार्घ के नवन मंगल गाने रवाकुले जिन घरे अभिषेक महम यजे ओम रीम ऋष्वादी वीरांच त्रिविंशतीर्थंकर शांतिधारा विसिंचित जिनाय जलादि अर्घम नृपामिति। देखिए आज 2022 कर रहे हैं, कल हम सब का भी सुमेरु पर अभिषेक हो जिनेन्द्र भगवान के समान।
तीर्थंकर पद प्राप्त करें, निर्वाण प्राप्त करें। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। चलिए भाई छत्र चढ़ाइए, स्वयं तव विवाद। सबकी तालियां बजे। कांत मुझे से तम स्थितवानु कर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विव्रत शोभा प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत चंद्र प्रवाह समय जल्लरियों से अणि मुक्ता में अति कमनी अने शोभित होते हैं सिर पर छत्र तय भवदी ऊपर रह कर शोर रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं प्रभुवन के परमेश्वर या ओम ह्रीम छत्रतय प्रातिहारिकताय क्ली महावी अक्षर सहताय वृषभ जिनाय अर्घम निर्भामति। आइए बाबूलाल जी तुम पर भगवान की रहे। आइए मुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर शोर रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं प्रभुवन के परमेश्वर। आइए दूसरे आइए इसको थोड़ा आगे कर दो कुचामन सिटी ऊपर रह कर शोर रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं प्रभुवन के परमेश्वर। चलिए फोटो लेने का अवसर दीजिए। चलो आ जाओ वो लोग नहीं चढ़ा पा रही तो फोटो तो खींच रही है ना। चलिए आ इस तरफ आ जाओ इस तरफ बदल दीजिए। दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर शोर रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं प्रभुवन के परमेश्वर। अनुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर शोर रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं प्रभुवन के परमे। ओम ह्रीं छत्र तय महाप्रातिहार युक्ताय क्लीं महावैयक्षर सहताय वृषभ जिनाय जलादि अर्घ्यम निर्वामिति। बोलो त्रिभुवनपति आदिनाथ भगवान की जय। चलिए भैया कर वाले देवों में देव निराले हम
और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मयती पर तनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीपर तनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम सीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। करे आरती मोहत मिर न सुझा, आरती करो नाथ तेरी की मनसा सफल होए मेरी। आरती करो नाथ तेरी की मनसा सफल होए मेरी। बाकी दीप धूप फल अर्घ सोले नाचत ताल मृद माने जनेश्वरे, पुष्पांजलि छिपेत उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कर सुदीप सुधूप। भगवत जिनेन्द्र गर्जन तप ज्ञान पंच कल्याण भ्यो अर्घ नृपा
उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुधी विवर्गम न पामिति उदक चंदन तंदुल पुष्प चमन मंगल गान जिन ग्रहे ओम री भगवत जिन शेष नाम ब्यो जलादी अर्घम न पामिति श्रीमते आर्य श्री मूल संग शुद्ध साम सुकृत एक हेतु जिनेन्द्र यज्ञ विदुर समया विधाये स्वस्ति तिलोक गुरु वे जिन पुंगवाय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित डंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता सुधा पलवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति तिलोक वितिते किचिदुद्गतताय केवल एक मनाज होमि हरि पुष्पांजलि छिपे श्री वृषभोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री शंभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभु ब्रह्मस्य नः संस्वसनम संश्रवणम चदोराद साधवान ज्ञान विलोकनानि दिव्यामति ज्ञान बलम दहंत स्वस्ति क्रिया सुह परमस्ता प्रतीक बुद्धाद सर्व पूर्वे पर्वादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रिया सुह परमस्यो नः ओ जंगावली सेन फलांबु तंतु नमो गण स्वेर विहान नश्च स्वस्ति क्रिया सुह परमस्यो नः ओ दीप्तम जत मा परम गुरु गुणां चरंतः स्वस्ति क्रिया सुह परमस्यो नः सिमर्साश सकिल जल मल सह स्वस्ति क्रिया सुह परमस्यो नः क्षीरम समन्त्रोत्मृतम समन्तो मृदु समृन्तो मृतम समृत अच्छिन्न सावास महान सश्च स्वस्ति ज्ञान परिपुष्पांजलि चिपेत अष्टम निज गुण प्रकट किए यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देवी शास्त्र गुरु को दऊं विद्यमान श्री भी सिद्धि तंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं चलिए पदपुरी के अधिराजा है यशस्वती के यश राजा ओ के ऋषि राज मंदिर आने बसो मेरे है मन मंदिर के महाराजा आह्वान तुम्हारा स्थापन है जिन शरणम के जिन राजा ओम रीम सर्वसिद्धि प्रदाय श्री जिन शरणमादिनाथ जिनेन्द्र अत्र उत्तरोत्तर स्मृत्यानम ओम रीम सर्वसिद्धि प्रदाय जिन शरणमादिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम रीम सर्वसिद्धि प्रदाय जिन शरणमादिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवभव षट् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि निज ब्रह्म भाव ना बाया है निज शील सुगंधी पुष्प आदि प्रभु पद पूजन करवे अतिशय पुण्य कमाते हैं ओम रीम सरसिद्धि पदाय जिन सन्नमादिनाथ जिनेन्द्राय काम बाण विदंसनाय पुष्पम निरुपामिति अर्जन जिन शरणम में आते हैं आदि प्रभु पद पूजन करवे अतिशय पुण्य कमाते हैं ओम रीम सर्वसिद्धि पदाय जिन सन्नम आदिनाजनेन्द्राय क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति स्नेह वाति के ये दीप अनदीप अंत से अंधियारा हरते हैं स्वपर प्रकाशक दीप लिए जो जिन शरणम में आते हैं आदि प्रभु पद पूजन करवे अतिशय पुण्य कमाते ओम रीम सर्वसिद्धि प्रदाय जिन सन्नम आदिनाजनेन्द्राय मोहंतका विनाशनाय दीपम निर्वामिति मिथ्यामति फलम निर्वामिति कर्म नाश कर में अनर्घ पद पाने को जो इन शरणम में आते हैं आदिनाथ पद
जन करवे अतिशय पुण्य कमाते। जिन शरणम आदिनाजनेन्द्राय अनर्घ्य पत्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिते। माता सप्तमी आषाढ़ कृष्ण द्वितीयाम गर्भ मंगल मंडिताय श्री आदिनाजनेन्द्र ओम चेतिर कृष्ण जन मंगल मणिताय श्री आदिनाजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिते। नाचनिताय श्री आदिनाजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिते। घोर तपस्या एकादश्याम केवल कर्म नाश प्रभु ने किया मोक्ष महल में वा। ओम ह्रीं मां कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री आदिनाजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिते। नैन सागर में मेरी नैया है नहीं तुम बिन कोई खिवैया है। पूजा का ये फल दान मिले प्रभु सेवा का वरदान करणम नित आदिनाथ हरणम। ओ जिन हरणम जिनने गही उन्हें मिले सुख चैन। ओम ह्रीम सर्व सिद्धि पदाय माला पूर्णार्घ्य निर्वामिते। जो भी श्रद्धा नवार नमो कार। उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और महाराज के साथ हमको करीब उनके चरणों से जुड़े हुए 28-29 साल हो गए और उनका व्यक्तित्व उनका जीवन उनकी चर्या उनकी शैली उनकी सोच कुछ अलग रही है और उन्होंने नई तरह से धर्म को जन जन में फैलाने की कोशिश की। कह सकते हैं कि मुनि परंपरा को यदि किसी ने जीवित किया है इस युग में तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जीवित किया है और उनकी जीवित हुई परंपरा को यदि संवर्धन किसी ने प्रदान किया है वृद्धि की है तो आचार्य विद्या सागर जी महाराज ने की है। और आचार्य शांति सागर महाराज के समय सब वृद्ध लोग दीक्षा लेते थे, आचार्य विद्या सागर जी महाराज ने युवाओं को दीक्षा प्रारंभ की, सब युवा उनके सन्यासी हैं और आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज ने बच्चों को दीक्षा प्रारंभ की, 12-12, 13-13 साल के बच्चों को दीक्षित कर दिया, दीक्षा दे करके आगे बढ़ाया। ये बहु आचार्य श्री पुष्पधन सागर जी गुरुदेव जिनका एक अलग सोच जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं उनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। कह सकता हूँ कि सभी आचार्य मान्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं, सबकी आराधना भक्ति करना हमारे सम्यक दर्शन की निर्मलता में कारण होता है। पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ लिया करते हैं, ऐसे कोई हुए हैं तो आचार्य गुरुदेव श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज जिनका 68वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। यदि वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते और हम यहाँ नहीं होते तो ये यहाँ नहीं होते और ये यहाँ नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। इसलिए हम सबका कारण कौन है? आचार्य गुरुदेव श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ ऐसी जगह तीर्थ का निर्माण करना जहाँ उस तीर्थ की बहुत आवश्यकता हो। मुंबई और अहमदाबाद के बीच ये पहला दिगंबर इतना बड़ा तीर्थ हाईवे पर यहाँ पर मौजूद है, यह फल फूल रहा है, गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। कई कई आचार्य हुए जिनके बड़े सुखद संस्मरण हैं, सुखद स्मरण हैं। हमारे गुरुदेव जब बचपन में घर में थे, एक कहानी उनके जीवन का दृष्टांत बहुत प्रेरित करता है। वह बचपन में घर में थे, बड़े शैतान प्रवृत्ति के थे, हमारे और उनके गण बहुत मिलते हैं, है ना? नहीं, बहुत से मिलते हैं। देखो, उन्होंने भी आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ली, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, हमने भी उनसे लिया, उन्हें वो भी वहाँ से छूट गए, हम भी वहाँ से छूट गए, विचार आ रहा, समझो। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा कहाँ ली? आचार्य विमल सागर जी महाराज से। हमारी मुनि दीक्षा कहाँ हुई? आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज से। विचार करिए, और उनके जीवन की बहुत सी चीजें हमसे, मेरी उनसे मिलती हैं, उनकी मेरे से क्या मिलेंगी, है ना? मेरी उनसे बहुत सी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं,
वो भी ज्यादा सीरियस पना पसंद नहीं करते, और अपन को भी ज्यादा सीरियस पना पसंद है नहीं। आनंद रहो, मस्ती में रहो, मौज में रहो, ऐसा उनका चिंतन धर्म प्रभावना कि उन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए इस देश में। पहले उनका विरोध हुआ, फिर सारी दुनिया उनके ही बातों को मानने को तैयार हो गई। एक समय था जब कहा जाता था आचार्य लोग कि बिना जनेऊ के आपसे आहार नहीं लेंगे, बिना जनेऊ के आप जैन हो ही नहीं सकते हैं, जनेऊ पहनना जरूरी है। आचार्य श्री ने सोचा कि भाई बात तो सही है कि जनेऊ धारण होना चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी जनेऊ धारण नहीं कर सकती है। उनका बैठे बैठे मन बना कैसे इस पीढ़ी को व्रत दें, कैसे इस पीढ़ी को मंत्र सिखाएं, कैसे इस पीढ़ी को साधना करना सिखाएं। उन्होंने कहा कि मैं जनेऊ पहनाऊंगा। लोगों ने कहा महाराज कोई आहार नहीं देगा, कौन जनेऊ पहनाएगा। मालूम है उन्होंने नई सोच निकाली कि जनेऊ की जगह मैं अपने भक्तों को माला पहनाऊंगा। माला भी जनेऊ का ही रूप है। कहा जाता है जनेऊ को कान में लगाना पड़ता है अशुद्धि के समय, तो आचार्य, और यदि उस जनेऊ को गले में पहन लो कान में लगाने की जरूरत, तो आचार्य श्री ने उस जाम जनेऊ को माला का रूप दे दिया। इस तरह से उन्होंने पहले सबको मालाएं दी और माला देकर सबको व्रत दिए, नियम दिए, संयम दिए। ऐसी कई कई सोच उनकी है जीवन की। सबसे पहले प्रवचन की किताबें पतली पतली यदि किसी ने लिखना शुरू की तो आचार्य पुष्प दंत सागर जी महाराज ने लिखना शुरू की। सबसे पहले शिविर लगाने वाले कोई आचार्य थे, बाकी सब फॉलो किए उनको। सबसे पहले शिविर लगाना आचार्य पुष्प दंत सागर जी महाराज ने प्रारंभ किया। बहुत सी चीजें उन्होंने अपने जीवन में शुरुआत की, युवाओं को दीक्षा दी। तरुण सागर महाराज बचपन में 8-10 साल के बच्चे को ले आए, 12 साल में एलक बना दिया। सारी दुनिया ने विरोध किया, ये बच्चा ये क्या करेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन आज सारी दुनिया कह रही है जैन धर्म जाना जाता है तो तरुण सागर महाराज के नाम से। ये आचार्य श्री की एक खोज है, एक सोच है, एक अलग तरह की। वो कभी डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है, दंड नहीं देते हैं। मैं तो 27-28 साल से रहा, ना कभी डांट मिली ना फटकार मिली। जब मैं उनके चरणों में आया था भिंड में 93 में 94 में, जब महाराज के पास आया, मैंने कहा मैं वहां से आया हूँ। गुरुजी बोले हम भी वहीं से आए हैं। अपन सबका जन्मदाता एक ही है आचार्य विद्यासागर जी मां, हम लोग वहीं से आए, बुंदेलखंड के जितने आए सब वहीं से आए। तो बोले फिर क्या कहना चाहते हो, मैं इनका संग में रहना है, बताओ मैं क्या अनुशासन का पालन करूंगा, मुझे बताइए, मुझसे कोई गलती हो जाए, नया संघ है। आचार्य श्री ने मुझे एक शब्द में प्रभावित कर लिया था। उन्होंने भिंड के एक कक्ष में कहा था कि देखो ब्रह्मचारी जी, मैं अपने संघ में किसी को अनुशासन में नहीं रखता, हर आचार्य अनुशासन में रखता है। उन्होंने कहा मैं अनुशासन में नहीं रखता। तुम इनका महाराज अनुशासन में नहीं रखोगे तो हम सुधरेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि हम सुधारने के लिए कोई अनुशासन नहीं करते। एक शब्द उन्होंने बोला, एक ही शब्द मुझे बोला कि तुम यदि सच्चे बैरागी होगे तो खुद अनुशासित रहोगे, तुम्हें अनुशासन ला दे, और यदि सच्चे नहीं हो और हम डांट डांट के भी तुमको कराएं तो भी कुछ मतलब, तुम चोरी करोगे, गड़बड़ करोगे। यदि सच्चे हो तो अपना जीवन ऐसा बनाना कि अपने जीवन काल में एक ही चीज कहना, एक ही संकल्प लेना कि कभी भी मुझे डांटने का अवसर मत देना। क्या शिक्षा दी उन्होंने, कभी भी मुझे, एक ही चीज, जब तुम्हारे घर में बहू आए ना तो बोलना बहू कैसी रहना घर में, कभी मुझे तुझे डांटना नहीं पड़े। समझ में आ रहा। अब उन्होंने तो कह दिया, वो तो एक शब्द बोल के फ्री हो गए। अब हम हर कुछ करें गड़बड़ हो तो मन में होता था यार डांटने का अवसर नहीं देना है। बस एक मंत्र उनका हमारे जीवन को संभाल गया कि कभी भी जिंदगी में अपने डांटने का अधिकार केवल गुरु को होता है, लेकिन सच्चा सुख शिष्य वो होता है जो कभी उन्हें डांटने का अवसर प्रदान नहीं करता है। वह सूत्र मेरे जीवन में रहा, उनका आशीर्वाद रहा। ठंडी के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड, मध्य प्रदेश की ठंड, छतरपुर की ठंड, अपन तो यहाँ जिन शरणम में बैठे वहां लोग ठिठुर रहे हैं। तो क्या किया आचार्य श्री, उस समय अभावों का जीवन था उनके घर में, और एक स्वेटर उनकी बहन ने बनाई,
स्वेटर बनाई और कहा कि सुशील ये स्वेटर ठंड में तू पहनना। उनने कहा कि ठीक है बहन, तूने बनाई है मैं पहनूंगा। पहन के बाजार गए, क्या हुआ बाजार में क्या देखते हैं, एक भिखारी ठंड में ठिठुर रहा है, ठंड में कांप रहा है। अब इनने कहा मैं क्या करूं, इसके लिए दयालु थे इन्होंने आज ही बनी हुए स्वेटर उतारी और भिखारी को पहना दी, तू पहन मैं तो अपनी ठंड सहन कर लूंगा। और उन्होंने वह स्वेटर उसको प्रदान कर दी। अब घर लौटे, पिता का नाम था कोमल चंद, वो बिल्कुल भी कोमल नहीं थे, नाम के विपरीत है, बड़े तेज बड़े गुस्से वाले, ठंड में ठुठरते चले आ रहे हैं। पिता ने देखा, क्यों सुशील कहाँ है, अभी अंगूरी ने तुमको स्वेटर बना के दी थी वो कहाँ है। अब बोले क्या, बोले कि बेटे है ना, पिता ने कहा जल्दी बता ठंड में क्यों ठुठर रहा, वो कहाँ है। सुशील कुमार बोले कुछ नहीं, नीचे निगाह है। बोले जरूर तो उसने गड़बड़ किया, क्या किया। बोले बाबूजी वो ठंड में तड़फ रहा था तो मैं अपनी स्वेटर उतार के उसको दो छड़ी लगाई। पिता ने बोले जा, आज ही बहन ने बना के दी थी तो दूसरे को दे आया, जा तू जिंदगी में नंगा घूमेगा, तुझे कपड़े कभी नहीं मिलेंगे। उस समय आचार्य श्री को लगा कि मेरे पिताजी कह रहे हैं तू जीवन भर नंगा घूमेगा, तुझे कपड़े नहीं मिलेंगे कभी जिंदगी में, तूने उसकी भावनाओं को ठुकराया है। उनने तो गुस्से में कहा था, इन्होंने कहा मेरे लिए तो वरदान बन गया और उन्होंने घर छोड़ने का प्रण ले लिया कि अब पिता की ये आज्ञा है कि नंगा घूमेगा तो जिंदगी भर अपने को नंगा ही घूमना। ऐसे ऐसे उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं, कभी कभी महाराज से सुनते थे हम लोग बैठ के अकेले में जब मूड में होते थे। आचार्य लोग भी बड़े मूडी होते हैं, मूड है तो बता देंगे, नहीं तुम चिल्लाते रहो कुछ नहीं करेंगे, समझ में आ रहा। तो मूड में थे तो सारी चीजें उन्हें बैठ जाती, भैया वृत्ति में अनुभव सुनाते रहते, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली, उनके सभी शिष्यों में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने वर्षों से उनका वात्सल्य और प्रेम प्राप्त हो रहा है। आज उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने कहा गुरुदेव जिन शरणम बन रहा है मैं कैसे उतने दूर आऊं, और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं तो इसका बदला मत लेना कि हम भी नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। मैंने कहा तुमको तो आना ही पड़ेगा पंच कल्याणक में यहाँ पर। तो ऐसे सरलता के धनी आचार्य श्री पुष्पदंत जी गुरुदेव, उनकी बातें करें तो बहुत समय हो जाएगा, समय की अपनी सीमा है। आए श्रद्धा भक्ति के साथ उनके कमरे में, जब भी जाओ तो ठहाके लगते ही रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उनसे किसी ने कहा महाराज तुम कैसे महाराज हो, जब देखो तब हंस, फोटो में भी हंसी रहे हैं देख लो है, कभी सीरियस ही नहीं देखा, हंसते ही रहते हो कैसे महाराज हो। आचार्य श्री ने कहा क्यों भैया, हमने संन्यास लिया है तो हंसे नहीं क्या। बोले क्या मतलब, बोले संन्यास लेके हमने कोई अपराध किया है जो मुंह लटका करके बैठे है, हमारा संन्यास तो हंसता खेलता संन्यास है, मुस्कुराता हुआ संन्यास है, खिले हुए गुलाब की तरह हमारा कभी मैंने उन्हें सीरियस मूड में नहीं देखा, हमेशा आनंद के साथ प्रसन्न चित्त रहना, हंसना हंसाना और अपनी साधना करना। ऐसे आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज, उनके 68वें जन्मदिन पर हम बहुत बहुत उनके चरणों में विनयांजलि रखते हैं और ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव जब तक हमको मोक्ष ना मिले हम आपके शिष्य रहें, आप हमारे गुरु बने रहें तो भी हमारे जीवन का कल्याण होगा। हमेशा प्रतिभाओं को निखारने का अवसर देना, उन्हें आगे लाने का अवसर देना। आज उनके जितने भी साधु हैं बोलने में कोई भी कमजोर नहीं है, जहां जाते हैं एक माहौल बना देते हैं, धूम खड़ी कर देते हैं। ये उनकी कृपा और उनने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया। उनके चरणों में कोटिशा नमन करते हुए आज हम गुरुदेव की यहाँ पर पूजन करेंगे। बहुत कम समय आता है कि जब हमको अपने गुरु की पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। आज जन्मदिवस है, अपन सब मिल करके आए गुरुदेव की पूजन करें। पुष्प ले लीजिए, स्थापना करेंगे।
गुरु शीघ्र हरो मन पीर न हो मन यौवन की कुटलाई मोह महारि पुन नित मार करे फैल रही जग जीवन में ओ सुखदाई हे मुनि पुष्प रहो मम राग में नित रमो बनने को निराग तुम पद में अली बन रहूं शतत परा। ओम ह्रीम श्री पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान पुष्पधन सागर गुरुभ्यो नमः। अत्र अवतार अवतार संभो षटावानं अतिष्ठ टह टह स्थापनं अत्र मम सन्नितो भवो षट सन्निधिकरणं। हरी है तिनके चरण पखारूंगा। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर गुरुभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वामिते आंधी उड़ा रही नर जीवन की अनुपम तादिक गुण निज में पाने चंदन चरण चढ़ाऊंगा। पुष्प दंत गुरु भवतारी है जिनके चरण फकारूंगा। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर गुरुभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिते धन परिजन पर पद छयवत तब चरणों में ज्ञान हुआ मुट्ठी आऊंगा। पुष्प दंत गुरु हितकारी हैं जिनके चरण फकारूंगा। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर गुरुभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वामिति तुमने प्राण पुलक महकाव किया इस पुष्प कुंड बंद करी तिराऊंगा। पुष्प दंत गुरु हितकारी है जिनके चरण पकारूंगा। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर गुरुभ्यो नमः। काम बाण विंद स्नाय पुष्पम निर्वामिते व्याधि से पीड़ित होकर नाना की नैवेद्य बना कर बहु की छुदा मिटाऊंगा। पुष्प दंत गुरु दुखकारी इनके चरण पकारूंगा। आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर गुरुभ्यो नमः। छुदा रोग नाशाय नैवेद्यम निर्वामिते प्रकाशित दीपक छवि ही प्रेरित करती केवल दीप जलाने को तबा। ओ ब्रह्म श्री परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर गुरुभ्यो नमः। मोहनकार नाशनाय दीपम निर्वामिते मैं मुख मंडल पर जिनके अद्भुत कलियां कर्म दहनी बना कर तो चरणों में खेऊंगा। पुष्प दंत गुरु उपकारी है जिनके चरण फकारूंगा। गुरुभ्यो नमः। अष्टकम जनाय धूपम निर्वामिते मणिमय उपकारी है जिनके चरण फकारूंगा। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य भगवान पुलक पुष्पदन सागर गुरुभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिते मानो की रहा न कुछ भी से अष्ट दर्भ से पूज कर पाऊं जिनका भेष। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य भगवान पुष्पदन सागर गुरुभ्यो नमः। जिनके पांव पुण्य चंड में अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिते मथुरा हो संयम की प्रेम से दमक रही तप में तेरे इस जीवन को आलोकित कर ओ आत्मनिवेदन इतना सा है कि चादर चर पद का कुछ ज्ञान नहीं अज्ञान मिटाने आया पर लल छाया पुष्प चुन लाया हे पुष्प दंत मुनि अब चरणों में गुरुवर जय मुनिवर सारे समता धारे हमको तारे शिव पावे सब श्रावक प्यारे पूजा गारे ओ मतवारे सुख
ओम ह्रीं परम पूज गुरुदेवाचार्य श्री पुष्पदन सामाचरणेभ्यो जय मालार्घम नृपामिति हे पुष्पदंत तुम इत्यादि आशीर्वाद पर पुष्पांजलि। बोलो गुरुदेवाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। पुष्पदंत स्वामी स्वामी पुष्प जन्म लिए हो करुणाधारी स्वामी हो करुणाधारी हमको पार करो तुम हमको पार करो तुम गुण है बारी। ओम जय पुष्पदंत स्वामी विमल सागर से दीक्षा पाई विद्या ज्ञान दिया गुरुदय चरणों में रह कर गुरुदय चरणों में रह कर सेवा खूब किया। ओम जय पुष्पदंत स्वामी हे गुरु तुम दीपक हम हैं बाती धर्म की ज्योति। ओम जय पुष्पदंत स्वामी पांच महाव्रत धार के तुमने जग से मुँह फेरा सब पर प्रेम तेरा। ओम जय पुष्पदंत स्वामी आरती करते तेरी दूर हो तमको हम सब सेवक तेरे हम सब सेवक तेरे पार करो हमको। जय पुष्पदंत स्वामी पुष्पदंत स्वामी स्वामी जय पुष्पदंत स्वामी तुम हो पाप निवारक तुम हो पाप निवारक पुण्य वृद्धि रानी। ओम जय पुष्पदंत स्वामी पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। ओ स्वामी रत नेत्र में भी अनर्ग पद पा जाऊं हर धर्म में आऊं हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य जिनसन्नम तीर्थ प्रणेता मनोज्ञ आचार्य भगवन पुलक सागर जल फलादि अर्घ्यम निर्गमयति। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। पर्युषण पर्व में कि मुझे तो दीक्षा ही चाहिए उनसे कुछ भी बोलो कि बोलो कुछ दो शब्द बोलो उत्तम क्षमा दीक्षा दे दो बस एक ही शब्द दीक्षा दीक्षा दीक्षा। और आज बहुत सरल हैं बहुत शांत हैं इनका उग्र रूप भी हमने देखा है एक ही गांव के हैं क्या करें हम तीनों उग्र रूप भी इनका देखा है देखिए मारपीट भी देखी ऐसा कोई भी सत्कर्म नहीं है जो इनने नहीं किया सारे सत्कर्म कर लिए सारे ठटकर्म कर लिए अब जीवन में उद्धार के लिए आगे हमको भी विश्वास नहीं था हम इनको चिढ़ाते रहते तुम क्या दीक्षा लोगे तुम क्या दीक्षा लोगे बोले नहीं मैं तो दीक्षा ही लूंगा। एक बार बोले मुझे चुल्लक ही बना दो मैं इनका नहीं बना सकता बोले क्यों मैंने कहा तुम्हारे लंगोट में बहुत कपड़ा लगेगा नहीं जाते उनको कोई नहीं सुवास नहीं सुवास से जो भी देखो संपन्न परिवार बच्चे परिवार बच्चियां सब और सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने जिन शरणम तीर्थ में और सीधे डायरेक्ट नगन दिगंबर मुद्रा उन्होंने धारण की है और बहुत भावुक हैं बहुत सरल हैं। हमको ये मालूम नहीं था कि कोई आदमी इतना भी सीधा हो जाता है ऐसी भगवान की कृपा हुई उनका तो नेचर ही बदल गया। अपने में रहना 3600 माला मैंने मंत्र जपने की दी थी कि साल भर में जपना उनने 2 महीने में जप के खत्म कर दी क्या करें हमने कहा इतनी रफ्तार से माला कैसे जप ली बोले इसी रफ्तार से माल गिना है उसी रफ्तार से माला गिनी घर में माल गिनने की आदत थी यहाँ माला गिनने की बोले फर्क क्या पड़ा नोट की जगह मोती आ गए फर्क क्या पड़ा गिनती तो वही। आज उनका जन्मदिन है
और ये भी कह सकते हैं कि जब जब हमारा जीवन जीवन लेखनी कहीं लिखेगी, इतिहास लिखेगा, तो दीक्षा में पहले दीक्षा का ग्रुप में इन लोगों का नाम आएगा। और इन लोगों ने पूरी विनय भाव दर्शाते हुए दीक्षा ली। उनके बाजू में एलक जी भी बैठे हुए हैं, वो भी लगे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। अरे हमने कहा थोड़ा शांति रखो, है ना। तो वह भी दीक्षा के लिए बार बार भावना बाते हैं। वो हमारे क्या हैं, क्लासमेट, हम लोग सहपाठी, साथ में पढ़े और साथ में पढ़े हैं तो परिचय भी था। जैसे ही देखा रे सुभाष सेठ की दीक्षा, हमारा क्या होगा, वहीं से फोन आए मुझे भी दीक्षा चाहिए। ये जिंदगी में पहली बार होगा कि फोन में दीक्षा फाइनल, है ना, कोई नाम निशान नहीं था। और उन्होंने भी दीक्षा ली। तो इन सबको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेके आगे बढ़े हैं वह उस लक्ष्य को प्राप्त करें। और जैसी सहजता सरलता दोनों में अभी है, समाधि तक ऐसी ही बनी रहे, जीवन का कल्याण होगा। जिन शरणम तीर्थ के सब प्रथम दीक्षार्थी लोग हैं, फिर दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। अरे क्या हो गया, अरे उनका है यार, फिर वही बात। जत के साथ कि जीवन का कल्याण करें, सभी लोग इनको जन्मदिन के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देना। मुनियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी जाती हैं, मुनियों को तो मोक्ष जाने की भावनाएं रखी जाती हैं कि जन्म मरण का नाश हो और जीवन में मुक्ति को हम प्राप्त करें। और बहुत बहुत हमारी भी शुभकामनाएं, गुरु शिष्य बने आशीष मिलेगा, शिष्य बने आशीष मिलेगा। देखो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं हम, आशीष मिलेगा गुरु से पहले ईश मिलेगा। क्या बात है, हमसे भी पहले मोक्ष हो जाए, अपना तो हो गई जब होना है। गुरुदेव आपके साथ हम सभी चल चलेंगे। अच्छा, आपके पीछे तो मुश्किल लग रहा है। वह लिया है घर परिवार काल में, वह भी अब शायद हो सकता है लौट के आए तो पीछे लेकर आए और अपना कल्याण करें, जीवन का उद्धार करें। महेंद्र गोतिया, तुम भी बहुत आंसू भरते हो, तुम्हारा भी नंबर लगेगा। छोड़ो छाड़ो घर गृहस्थी, क्या करें, दीक्षाएं, दीक्षा की पूरी पूरी आशा और विश्वास लेके लोग बैठे हैं, लेकिन हो सकता है टूट जाए कि सब लोग कोठारी जी को मुनि बनना देखना चाहते हैं। लेकिन अब देखो सबके सपने नमो 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 नमो
Thank you.